रणवीर की जिंदगी में आए नए विलन मिलन के बारे में तो आप जानते ही हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ईशानी को रणवीर से छीनकर वो बर्बाद करना चाहता है रणवीर की खुशियों को। लेकिन अब हम और आपके अलावा ये बात निमिषा भी जान गई है। लेकिन इस सच्चाई को जानकर जब वो जाना चाहेगी ईशानी के पास, तब हो जाएगा उसका खून। मिलन अपने प्लान को फेल होता हुआ नहीं देख सकता था, और अपने प्लान को बचाने के लिए वो निमिषा का खून करना ही ठीक समझेगा। बेचारी निमिषा हो जाएगी मिलन की क्रूरता की शिकार, और बेरहमी से चाकू से वार करेगा मिलन उस पर। शादी के साथ फेरे लेते वक्त निमिषा की डेड बॉडी आ गिरेगी मंडप पर, और इस खून से ही होगी शुरुआत रणवीर और ईशानी की जिंदगी की। निमिषा का खून कर मिलन ने ये साबित जरूर कर दिया है कि वो बेहद खतरनाक है। अब क्या होगी उसकी अगली खौफनाक चाल, हमें बताइए अपने गेसेस नीचे कमेंट्स के जरिए, और देखते रहिए टेली मसाला। हाय, आई एम राधिका मदान, आपकी ईशानी फ्रॉम मेरी आशिकी तुमसे, एंड डू सब्सक्राइब टू टेली मसाला।